बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एडा प्रीमियर प्रो सीसी 2018 की क्लास नंबर 3 स्लो मोशन की पार्ट नंबर 2। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम एक वीडियो के अंदर स्लो मोशन कैसे देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्लो मोशन कैसे देते हैं, कि सिंपल उसकी स्पीड ड्यूरेशन बढ़ा दें। इसमें एक अलग तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो आपकी वीडियो इसको टाइमलाइन में जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करें, उसके बाद ऑडियो नहीं चाहिए अनलिंक करें और ऑडियो को डिलीट करें। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसकी जो ये लाइन है ये कहाँ पर है, ऊपर है, तो हम इसमें जो है ना वो स्लो मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। माउस से राइट क्लिक करें और यहाँ पर जाए शो क्लिप की फ्रेम टाइम रिमैपिंग स्पीड। उसके बाद जहाँ से आपको स्लो मोशन उसकी जो है रफ्तार को कम करना है, स्लो मोशन देना है इसको, अच्छा यहाँ पर हम लोग आ गए। उसके बाद कीबोर्ड से जो है आप टी प्रेस करें, ठीक है। पेन टूल आ गया, एक यहाँ पर लगाएं और जहाँ तक आपको चाहिए एक वहाँ पर लगाए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस वी प्रेस करें कीबोर्ड से और सिलेक्शन टूल ले लें। अच्छा, इसकी रफ्तार को हमने कम करना है, स्लो मोशन देना है, नीचे की जानिब ले जाए जैसे ये। उसके बाद देखिए अच्छा देखिए एकदम से जो है स्लो मोशन इस पर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्या स्मूथ चले और धीरे धीरे से जो है इसमें अप्लाई हो। ये चीज़ आपको नज़र आ रहा है, इसको जो है ना आप क्या करें लिठाए, इससे जो है ना ये क्या होगा ईजी और स्मूथ रहेगा, ये हो गया। और उसको भी इसी तरह से ये हो गया और इसको भी बराबर इसके साथ करें। स्लो मोशन है वो क्या हो गया, अप्लाई हो गया। क्या स्लो मोशन में चल रहा, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो रफ्तार तेज़ हो, ठीक है, तो इसके लिए वापस देखिए इसकी जो लकीर थी कहते दरमियान में थी, इसकी कहाँ पर है, ऊपर है, तो इस पर माउस से राइट क्लिक करें, नीचे जाए शो क्लिप की फ्रेम टाइम रिमैपिंग स्पीड, इसकी भी दरमियान में आ गई। उसके अंदर हमने वीडियो को क्या दिया था, स्लो मोशन दिया, इसके अंदर इसकी रफ्तार को हम बढ़ाएंगे। उसके लिए कीबोर्ड से पी प्रेस करें, पेन टूल आएगा, एक यहाँ पर क्लिक लगाएं और जहाँ तक आपको चाहिए वही हिसाब से यहाँ पर लगाएं। उसके बाद वापस वी प्रेस करें कीबोर्ड से, सिलेक्शन टूल आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर की जानेब ले जाना है। जितना ज़्यादा ऊपर ले जाओगे उतना ज़्यादा इसकी जो रफ्तार तेज़ हो जाएगी और ये स्पीड चलेगा। इसमें भी वही तरीका करना है जो उसमें हम लोगों ने किया था। इसको इस तरह साइड पर लगाएं और इसको भी इस तरह से लगाएं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एक ब्लू वाली जो कर्सर है इसको ऐसे लिठाएं।
और इसको भी ऐसे इसके साथ बराबर करें, ठीक है। अब ये हो गया, आपने देखा कि हम लोग कैसे एक वीडियो को स्लो मोशन देते हैं और उसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाते हैं, दोनों वीडियो आपने देख ली। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।